दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक मैदान में कई पौधे लगे हुए थे, जिनमें से केवल एक पौधा ऐसा था जिसमें सफेद रंग के गुलाब उगते थे। राहुल की मां ने राहुल से उसी पौधे को लाने को कहा। उन्होंने कहा कि मैदान की उत्तर पूर्व दिशा की ओर की क्यारी में वह पौधा है, लेकिन जब राहुल मैदान में गया तब वहां किसी भी पौधे में फूल नहीं आए थे जिसे देखकर राहुल सफेद रंग वाला पौधा पहचान सके। तो बताइए, क्या राहुल को दी गई जानकारी के आधार पर पौधा मिला होगा? दोस्तों, दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। इससे केवल यह पता चलेगा कि पौधा उस मैदान में किस ओर स्थित है, लेकिन उसका सटीक स्थान नहीं पता चलेगा। यहीं पर अगर उसे यह जानकारी मिलती कि वह पौधा दूसरी पंक्ति में बाईं ओर से सातवें स्तंभ वाला है, तो राहुल के लिए वह पौधा ढूंढना कितना आसान होता। दोस्तों, इस परिस्थिति को अगर हम इस प्रकार कहें कि किसी बिंदु की स्थिति एक तल में पता करने के लिए हमें दो जानकारियों या कह लें दो निर्देशों का होना आवश्यक है। इसी सरल विचारधारा को गणित में बड़े पैमाने में प्रयोग किया जा रहा है, जिसे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहचाना जाता है। निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति फ्रांस के एक बड़े गणितज्ञ रेने डेकार्ते ने की थी, इसलिए इसे कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। इस सत्र में हम कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा, एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति को समझने के लिए दो निर्देशों की जरूरत होती है। कार्तीय पद्धति में दो संख्या रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है, उसे x x डैश नाम दिया गया है। उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं और y y डैश नाम से जाना जाता है। x अक्ष को भुज यानी एब्सिसा भी कहते हैं और y अक्ष को कोटि यानी ऑर्डिनेट कहते हैं। यह अक्ष एक दूसरे को संख्या शून्य पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जिसे मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहा जाता है। शून्य के दाहिनी ओर के x अक्ष को धनात्मक x अक्ष कहते हैं और बाईं ओर के अक्ष को ऋणात्मक x अक्ष। उसी प्रकार शून्य से ऊपरी भाग को धनात्मक y अक्ष और निचले भाग को ऋणात्मक y अक्ष। यह x और y अक्ष तल को चार भागों में विभाजित करते हैं। इन भागों को चतुर्थांश कहते हैं यानी क्वाड्रेंट्स, जिन्हें घड़ी की उल्टी दिशा में कुछ इस प्रकार नाम दिए गए हैं। पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। और तल को एक्स वाई तल यानी एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। इस तल में उपस्थित बिंदु को इस प्रकार दर्शाते हैं, जिसे निर्देशांक बिंदु कहते हैं। इस निर्देशांक बिंदु में पहला अंक x अक्ष पर उपस्थित बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा बिंदु y अक्ष का। पहले चतुर्थांश में धनात्मक x और धनात्मक y अक्ष हैं, इसलिए इस चतुर्थांश के बिंदुओं को इस प्रकार दर्शाते हैं। उसी प्रकार हर एक चतुर्थांश के चिन्ह उस चतुर्थांश के धनात्मक और ऋणात्मक x तथा y अक्ष के होते हैं, इसलिए इन अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहते हैं यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जिस तल में यह अक्ष और चतुर्थांश हैं, उसे एक्स वाई तल यानी एक्स वाई प्लेन कहते हैं। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। निर्देशांक बिंदु ऋण 2, 3 एक्स वाई तल में किस चतुर्थांश में है? क्या आप इन बिंदुओं के चिन्ह देखकर बता सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है? ऋण धन, यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश दर्शाता है। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।